हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज आपको मैं नए टॉपिक के साथ तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और उस टॉपिक का जो नाम है दैट इज़ ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मोमेंटस विच आर ग्रोथ मोमेंटस इन प्लांट पॉट्स, ठीक है, ड्यू टू द एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल स्टिमुलस स्टिमुलाई, ठीक है। तो बिफोर कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक हियर, आई वुड लाइक टू से समथिंग टू यू, एंड दैट इज इट इज़ लाइक दैट कि जब भी आप यूट्यूब लेक्चर्स देखेंगे तो इनको आपको सीरियली देखना पड़ेगा। पहला मतलब फर्स्ट सीरियल से आप स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइंस में, क्योंकि साइंस में एक फंडा है कि अनलेस एंड अनटिल लास्ट पॉइंट विल नॉट यू नो अनलेस एंड अनटिल लास्ट पॉइंट्स विल नॉट गेट क्लियर टू यू, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर यू नो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिकॉज इन हियर बिकॉज इन साइंस देयर लॉ दैट डोंट प्रोसीड फॉरवर्ड अनटिल लास्ट पॉइंट इज नॉट सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो जब तक आप ये जो है आपका पिछला वाला जो कंसेप्ट है, जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका जो है आने वाले नेक्स्ट कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको यही विनती करूँगा कि बेटा सीरियली लेक्चर्स को देख लीजिएगा, तो आपको मज़ा भी आएगा और अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी होगी। और दूसरी बात यह है कि आप लिंक से डाउनलोड डायरेक्टली करते हो या फिर देखते हो, लेकिन वहाँ पे आपको फिर वो ये जो है क्लियरिटी उतनी नहीं होगी वीडियो में, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो वहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, क्लियरनेस चेंज कर सकते हो वीडियो का, ठीक है। ऑनलाइन आप लिंक पे जाइएगा, ऑनलाइन ही वीडियो को आप वॉच कीजिएगा, तो उससे ही आपका ही फायदा है, क्योंकि डाउनलोड करके आप इसको जो है उतना क्लियर आपका वीडियो नहीं आएगा कि जितना उस टाइम आएगा जब आप ऑनलाइन होंगे। जब ऑनलाइन आप होंगे तो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो इसकी जो है रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं वीडियो की, ठीक है। तो ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म, ठीक है। और यू कैन से ट्रॉपिक मोमेंट्स, ट्रॉपिक मोमेंट्स इन प्लांट्स, ठीक है। बेसिकली ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मोमेंट्स क्या है? दीज आर ग्रोथ मोमेंट्स विच हैपन इन द प्लांट पॉट्स, ठीक है। ग्रोथ मोमेंट्स विच हैपन इन द प्लांट पॉट्स इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइटो हार्मोन्स इंक्रीज डिक्रीज करता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो नेचुरली इंक्रीज आर डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स इन प्लांट पॉट्स और रीजन्स ऑफ द प्लांट पॉट्स रिजल्ट से सॉर्ट ऑफ ग्रोथ मोमेंट्स, ठीक है। एंड दीज ग्रोथ मोमेंट्स आर डायरेक्शनल, तो उन ग्रोथ मोमेंट्स को हम ट्रॉपिज्म बोलते हैं या सिंपली ट्रॉपिक मोमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आज का जो लेक्चर है दैट इज ट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म क्या है? ए ग्रोथ मोमेंट ऑफ ए प्लांट पॉट, इट इज ए ग्रोथ मोमेंट ऑफ ए प्लांट पॉट, ठीक है। इट इज ए ग्रोथ मोमेंट ऑफ ए प्लांट पॉट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल मीन्स एनवायरमेंटल स्टिमुलस, एक्सटर्नल
स्टिमुलस, ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, इन विच डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिटरमाइन्स द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स, इन विच डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है, डिटरमाइन्स द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स, डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स। ओके बेटा, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज ट्रॉपिज्म, और यू कैन से ट्रॉपिक मोमेंट्स इन प्लांट पार्ट्स, ठीक है। ये ट्रॉपिक मोमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये रेस्पॉन्ड है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, रेस्पॉन्ड करता है प्लांट पार्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ शो करता है, इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द रीजन और डिक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द रीजन, ठीक है, दोनों चीजें इसमें आते हैं। तो किसके रेस्पॉन्स में? स्टिमुलस, एनवायरमेंटल स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में कुछ ग्रोथ मोमेंट्स शो करता है ये प्लांट पार्ट्स, तो उनकी जो डायरेक्शन होती है, रेस्पॉन्स की जो डायरेक्शन होती है, उसको कौन डिटरमाइन करता है? उसको डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ स्टिमुलस और डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन्स द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे अगेन आई विल रिपीट दिस कि ट्रॉपिज्म क्या है और ट्रॉपिक मोमेंट्स क्या होते हैं। इट इज ए ग्रोथ मोमेंट और दीज आर ग्रोथ मोमेंट्स ऑफ ए प्लांट पार्ट और पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन्स द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स। यहाँ पे स्टिमुल यानी कि डायरेक्शन क्या होगी रेस्पॉन्स की, किस तरफ डायरेक्शन होगी, ये डिटरमाइन करता है स्टिमुलस की डायरेक्शन पे, ये मुनहसिर करता है, ये डिटरमाइन करता है स्टिमुलस कहाँ से आता है, स्टिमुलस किस डायरेक्शन से है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं ट्रॉपिक मोमेंट्स। तो इन नटशेल वी वुड लाइक टू से ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मोमेंट्स आर डायरेक्शनल मोमेंट्स, दीज आर डायरेक्शनल मोमेंट्स, दीज आर डायरेक्शनल ग्रोथ मोमेंट्स, डायरेक्शनल ग्रोथ मोमेंट्स, मोमेंट्स, ठीक है, डायरेक्शनल ग्रोथ मोमेंट्स, जहां पे डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स डिटरमाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म, उस चीज को बोलते हैं ट्रॉपिज्म। यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होते हैं, ये आपका लाइट हो सकता है, ये आपका ग्रेविटी हो सकती है, ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये आपका वाटर हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल वाटर, ये आपका जो टच हो सकता है, टच हो सकता है, ये आपकी अर्थ यानी कि ग्रेविटी, ओके, लिख लिया मैंने, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अकॉर्डिंगली ट्रॉपिक मोमेंट्स हैज बिन क्लासिफाइड, लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मोमेंट्स, आई वुड लाइक टू से वन थिंग हियर, दैट इज यहाँ पे जो ट्रॉपिज्म है, ये डायरेक्शनल मोमेंट्स है, ग्रोथ मोमेंट्स है, विच आर डायरेक्शनल इन नेचर, इन विच डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्ड यानी कि इन ग्रोथ मोमेंट जो है वो उसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करता है स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस पे, यानी कि ये अब स्टिमुलस पे दो चीजों पे ये डिपेंड करता है कि इफ द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द इफ द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स टुवर्ड्स अगर डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स लाइज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस देन इट इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेंगी आपको, एक तो है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, दूसरा है आपका निगेटिव ट्रॉपिज्म, निगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है, निगेटिव ट्रॉपिज्म। शाबाश। तो ट्रॉपिज्म में दो चीजें आप देखेंगे, एक तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटस,
और एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ग्रोथ मोमेंट्स, ठीक है। कि अब ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या है और नेगेटिव ट्रॉपिज्म किस चीज को बोला जाता है, कि इफ इफ द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स, यानी कि ग्रोथ मोमेंट, रेस्पॉन्ड होगा यहां पे ग्रोथ मोमेंट, ठीक है, ग्रोथ मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट पार्ट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सिटोमलस, इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सिटोमलस, देन इट इज नोन एज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। देन द ट्रॉपिज्म इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, देन द ट्रॉपिज्म इज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंट ट्रॉपिज्म, ठीक है, ट्रॉपिज्म। ऑन द अदर हैंड, इफ द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स आर ग्रोथ मोमेंट, रेस्पॉन्ड तो होता ही है यहां पे ग्रोथ मोमेंट, ऑफ ए प्लांट पार्ट इज अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्टोमलस, इज अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द स्टोमलस, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। दोनों चीजें में डायरेक्शनल है, आइदर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टोमलस आर ग्रोथ मोमेंट लाइज अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द स्टोमलस, डायरेक्शन है आइदर टुवर्ड्स द स्टोमलस आर अवे फ्रॉम द स्टोमलस, ठीक है, दीज आर डायरेक्शनल मोमेंट्स। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है, निगेटिव ट्रॉपिज्म, निगेटिव ट्रॉपिज्म। तो ये निगेटिव ट्रॉपिज्म क्या है, दीज आर ऑल्सो इट इज अ ट्रॉपिज्म आर ग्रोथ मोमेंट, ये जो ग्रोथ मोमेंट आसन या रेस्पॉन्स, ये जो ट्रॉपिज्म आर वी कैन से ग्रोथ मोमेंट मोमेंट इन विच द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स, डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज टुवर्ड्स द सॉरी इज अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इज अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ सिटोमलस, डायरेक्शन ऑफ सिटोमलस, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब मैं एग्जाम्पल्स में पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम्पल में स्पेसिफिक नेगेटिव ट्रॉपिज्म और स्पेसिफिक पॉजिटिव ट्रॉपिज्म को फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रॉपिक मोमेंट्स और ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म और ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिक मोमेंट्स, तो ट्रॉपिक मोमेंट्स होते हैं ग्रोथ मोमेंट्स ही, ट्रॉपिक मोमेंट्स। तो ट्रॉपिक मोमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिटोमलस, ट्रॉपिक मोमेंट्स जो है ये डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टोमनस ट्रॉपिज्म हैज बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। एक तो है आपका फोटो ट्रॉपिज्म, फोटो ट्रॉपिज्म। सेकंड है आपका हेडगीजियोट्रॉपिज्म, ठीक है, या हेडरोट्रॉपिज्म, चलो अब मैंने जियोट्रॉपिज्म यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है, थर्ड वन इज कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है, कीमोट्रॉपिज्म। फोर्थ वन आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। एंड लास्ट वन जो है आपका दैट इज थिगमोट्रॉपिज्म, थिगमोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या है, ट्रॉपिज्म ट्रॉपिक मूवमेंट सेट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट ये ग्रोथ मूवमेंट है, ये एक रेस्पॉन्ड होता है इन टर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द आइदर टुवर्ड्स द आर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ये ग्रोथ मूवमेंट होती है बेसिकली, क्यों, क्योंकि
इट इज द रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड दैट ग्रोथ रिजल्ट इज द मूवमेंट इन दैट स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई दिस आर नोन एज ग्रोथ मूवमेंट्स, ठीक है, और ट्रॉपिक मूवमेंट्स वी कैन से। अब एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जो है उनका नेचर अलग अलग है, वो लाइट हो सकती है, वो अर्थस ग्रेविटी हो सकती है, वो आपका जो केमिकल्स हो सकती है, वो आपके वाटर हो सकता है या टच हो सकता है या दूसरे तरह के स्टिमुलस होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली ट्रॉपिज्म हैज बीन क्लासिफाइड इनटू यू नो दीज टाइप्स, वन इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड जो आपका है दैट इज जियोट्रॉपिज्म, थर्ड वन जो है कीमोट्रॉपिज्म, फोर्थ वन है थिग्मोट्रॉपिज्म, लास्ट वन जो है यहाँ पे दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं कि क्या है फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये फोटोट्रॉपिज्म तो ट्रॉपिज्म ही होगा यहाँ पे, ठीक है, ट्रॉपिज्म ही होगा, लेकिन यहाँ पे नेचर ऑफ स्टिमुलस इज लाइट, यहाँ पे लाइट है वही एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ठीक है। इट इज एट्रॉपिक मोमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द लाइट, टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, हियर इज लाइट, ठीक है, टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट, क्योंकि यहां पे लाइट जो है दैट इज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस, ठीक है, लाइट ही यहां पे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस है। अब अगर ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट प्लांट पार्ट की होती है बाय वर्चू ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइट, तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और अब फोटोट्रॉपिज्म के दो किस्में हैं, एक तो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा है आपका नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। शाबाश, तो फोटोट्रॉपिज्म जनरली वी कैन से इट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट आर ए ग्रोथ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ ए प्लांट टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पे लाइट है, क्योंकि फोटो इज समथिंग पर्टेनिंग टू फोटॉन, फोटॉन मीन्स ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइट होता है, ठीक है, फोटॉन होता है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फोटो। बाकी सेम है ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म ट्रॉपिक मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट होती है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस। अगर फोटोट्रॉपिज्म है तो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलस आपका लाइट है, ठीक है। अब अगर ग्रोथ मूवमेंट प्लांट की टुवर्ड्स द लाइट हो जाएगी, टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है, देन इट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इफ इट इज इफ ग्रोथ मूवमेंट इज अवे फ्रॉम द लाइट देन इट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो फोटोट्रॉपिज्म के दो किस्में हैं, यहाँ पे अगर मैं फोटोट्रॉपिज्म लिखूंगा, फोटोट्रॉपिज्म के दो टाइप्स हैं, एक तो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड इज निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? इट इज द ग्रोथ मूवमेंट, व्हेन ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अगर ग्रोथ मूवमेंट की डायरेक्शन उसी तरफ है जिस तरफ लाइट आती है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, ठीक है, वो उस ट्रॉपिज्म को पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो उस प्लांट और प्लांट रीजन को, प्लांट पार्ट को पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोलते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या है? इट इज द ग्रोथ मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट और सिंपली ग्रोथ, यू कैन से ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अगर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट है देन इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म।
इट इज द ग्रोथ मूवमेंट आर इट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट, आप ए प्लांट वर्ड आर द रीजन ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, देन इट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। एंड उस वाले पार्ट को बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, उस पार्ट को उस रीजन को जो शो करेगा ग्रोथ मूवमेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट उसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो एग्जाम्पल सपोज अगर यहाँ पे आप यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ये आपका प्लांट है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन इसको सॉइल के अंडर है, रूट सिस्टम, ये वाला शूट सिस्टम है। अगर सनलाइट यहाँ से पड़ेगी इस पे, ठीक है, यहाँ से पड़ेगी इस पे, तो सनलाइट, सन तो यहाँ पे है, ठीक है, डायरेक्ट अपराइट पोजीशन में, तो यहाँ पे टिप पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, दैट कॉजेस सेल एलॉन्गेशन, सेल डिवीजन। तो उसके बाद क्या करता है ये, उससे लेंथ ऑफ द स्टेम इंक्रीज होती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन की बदौलत से यहाँ पे रूट, ये शूट टिप होता है, वहाँ पे एक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उस वजह से क्या करता है वो ग्रोथ ऑफ द प्लांट स्टेम को करता है, कि मतलब लीनियर ग्रोथ में वो जो है रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे अगर लाइट यहाँ से नहीं है, ठीक है, अगर लाइट यहाँ पे पड़ती है, हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं, ये सन है, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू, ठीक है, एच न्यू फोटॉन है, उसकी एनर्जी है, यहाँ पे लाइट पड़ती है इस तरह है। तो अब क्या है, ये जो ऑक्सिन होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन, ये हाई इंटेंसिटी लाइट वाले एरिया में नहीं ज्यादा कंसंट्रेट होता है, ये कंसंट्रेट होने लगेगा किस वाले रीजन में, ये डिम रीजन में, यहाँ पे इस साइड में शेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन होगा आपका, ठीक है, वहां पे ऑक्सिन माइग्रेट, ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स माइग्रेट होंगे इन रिस्पॉन्स टू दिस डायरेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट पड़ती है तो, लेकिन ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स मूव अवे कर गए, ठीक है, तो इस वाले शेडेड वाले पोर्शन में आ गए, जहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां पे ग्रोथ ज्यादा होगी, तो इस वाले रीजन में ऑक्सीजन अब कम है, यहाँ पे ग्रोथ कम है, एक साइड में ग्रोथ अब कम है, दूसरे साइड में ग्रोथ ज्यादा है, तो विद द रिजल्ट उससे उससे क्या होगा, उससे ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द लाइट, ये प्लांट है अब, इसने बेंड किया है टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, ठीक है, कैसे, क्योंकि इस वाले रीजन में यहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ती थी, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेट नहीं होते, वो माइग्रेट होंगे टुवर्ड द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन में अब आपका ऑक्सीजन ज्यादा आया है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा सेल डिवीजन करेगा, जब ज्यादा सेल डिवीजन करेगा एक साइड में ज्यादा लीनियर डिवीजन होगा, दूसरे साइड में अपना ही रहेगा, तो प्लांट विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स लाइट सोर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म और बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, चलो खुदा हाफिज़।